हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली डोज पीके में। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एस्ट्रॉइड्स का खतरा तो हमारी पृथ्वी पर हमेशा ही मंडराता रहता है, और कोई बड़ा सा एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से टकरा जाए तो हमारी धरती का एक चौथाई हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो सकता है। दरअसल दोस्तों एस्ट्रॉइड स्पेस में घूमती हुई एक चट्टान होती है जिसका आकार एक मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकता है। ये सारे एस्ट्रॉइड मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट के रूप में मौजूद होते हैं जिनकी संख्या करोड़ों हो सकती है। दोस्तों हमारी पृथ्वी की ओर एस्ट्रॉइड तो आते ही रहते हैं, और दोस्तों साल 2021 में काफी सारे एस्ट्रॉइड ने हमारी पृथ्वी के साथ क्लोज अप्रोच किया, जिनमें से कुछ फेमस एस्ट्रॉइड एपोपिस और एस्ट्रॉइड एफ-32 थे। अब एक और इस साल का तीसरा सबसे फेमस एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी के करीब आने के लिए तैयार है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस एस्ट्रॉइड के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। दोस्तों इस एस्ट्रॉइड का नाम है 2021 AF8, जिसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। दोस्तों ये एस्ट्रॉइड आजकल काफी ज्यादा सुर्खियों में है, और मैंने इस एस्ट्रॉइड के बारे में पहले भी वीडियो बनाई है, आपने अगर नहीं देखी है तो देख सकते हो। दोस्तों इस एस्ट्रॉइड को सबसे पहले मार्च महीने में डिटेक्ट किया गया था, तब से वैज्ञानिक इस एस्ट्रॉइड पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक 4 मई 2021 को यह एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी के पास से गुजरेगा। दोस्तों यह एस्ट्रॉइड करीब फुटबॉल के मैदान के बराबर है, और नासा के हिसाब से इस एस्ट्रॉइड का साइज करीब 260 मीटर से लेकर 580 मीटर के आकार का है। हालांकि अभी तक अंतरिक्ष में पृथ्वी के पास से गुजरे एस्ट्रॉइड की तुलना में यह काफी छोटा है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा है इसकी तेज रफ्तार से। दोस्तों यह एस्ट्रॉइड 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने इसे संभावित खतरनाक एस्ट्रॉइड की श्रेणी में रखा है, और इस तरह के खतरे की अगर थोड़ी सी भी संभावना होती है तो इंसानों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन दोस्तों डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यह एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से इतनी दूरी से निकल जाएगा कि इसका कोई भी प्रभाव हमारी पृथ्वी पर नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, 4 मई 2021 को यह एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से करीब 34 लाख किलोमीटर की दूरी से सुरक्षित गुजर सकता है, और हम इस एस्ट्रॉइड को अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। हालांकि अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस एस्ट्रॉइड पर अपनी नजर बनाए हुए है। नासा द्वारा इस एस्ट्रॉइड को अपोलो एस्ट्रॉइड ग्रुप के तहत क्लासीफाई किया गया है। नासा का सैनिटरी सिस्टम ऐसे खतरों पर पहले से ही नजर रखता है। इसमें आने वाले 100 सालों के लिए फिलहाल 22 ऐसे एस्ट्रॉइड हैं जिनके हमारी पृथ्वी से टकराने की थोड़ी सी भी संभावना है। ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जीवन का विनाश सिर्फ सूर्य, उल्कापिंड या फिर सुपर वोल्केनो ही कर सकते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि सुपर वोल्केनो पृथ्वी से संपूर्ण जीवन का विनाश नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों कितना भी बड़ा ज्वालामुखी हो वह केवल अधिकतम 70% ही पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकता है। अब सवाल है एस्ट्रॉइड का, तो फिलहाल ऐसा कोई एस्ट्रॉइड नहीं है जो हमारी पृथ्वी से जीवन का नामो निशान मिटा सके। तो दोस्तों डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि 4 मई 2021 को यह एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूरी से निकल जाएगा। तो दोस्तों 4 मई 2021 को यह एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से टकराएगा, इस प्रकार की फेक न्यूज पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी स्पेस वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल डेली डोज पीके को सब्सक्राइब करें।